जयप्रकाश नारायण की 118वीं जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रविवार को जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी के नेतृत्व में असरण चौक स्थित जयप्रकाश की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस संबंध में सपा के जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी कहा कि जयप्रकाश नारायण अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले योद्धा थे। उन्होंने देश की आज़ादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिनके पद चिन्हों पर चलकर हम सभी समाजवादी लोग उनके सपनों को पूरा करेंगे और अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ते रहेंगे। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए सपा जिलाध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी ने कहा, उस महान आत्मा जयप्रकाश जी का जयंती है, जिसको हम समाजवादी लोग, पूरे जनपद के लोग आज यहाँ इकट्ठा होकर के इनके मोर्चे पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि 1974 में इमरजेंसी के खिलाफ इन्हीं के आदेश निर्देश पर, इनके पहल पर सभी समाजवादी लोग सड़कों पर उतरने का काम किए थे और हमेशा ही जुबेजास्ती और अन्याय के खिलाफ लड़ने का काम किए हैं। और आज हम समाजवादी और सभी लोगों के इनके पद चिन्हों पर चलने की जरूरत है। आज उनका जो अधूरा सपना है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, उसको पूरा करने के लिए पूरा पहल कर रहे हैं।